रामपुर के चार दिवसीय फाग उत्सव का देवी देवताओं के आगमन के साथ आगाज हो गया। कुल्लू शिमला व आसपास के इलाकों से 26 देवी देवता फाग उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। राज परिवार की ओर से हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने देवी देवताओं का स्वागत किया। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर वरुण ने बताया कि फाग मेले का शुभारंभ हो गया है। मेले में 26 देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि फाग उत्सव में देवी देवता लोगों को सुखद भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। जो है फाग मेले का शुरुआत हो चुकी है और इसमें जो है पूरी एनसीपी जो है 26 देवी देवताओं का हम जो है यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। अभी तक जो है 10 देवी देवता जो आ चुके हैं और बाकी जो है वो आ रहे हैं। और हमारा जो फाग मेला है वो बड़ी धूमधाम से इस बार भी मनाया जा रहा है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे हर साल जो है देवी देवता जो है रामपुर की जो भूमि है और जो रामपुर की जो लोग है उनको आशीर्वाद देते हैं, इसी इस साल भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जितने भी देवी देवता आ रहे हैं वो रामपुर के लोगों को जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हर साल फाग मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में बुशहर क्षेत्र के सभी देवी देवता राजमहल परिसर में आकर होली का पर्व मनाते हैं। इस दौरान देवी देवता आने वाले वर्ष के लिए लोगों को शुभ आशीर्वाद देते हैं। हर साल फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें होली के बाद इस क्षेत्र के बुशहर क्षेत्र के सारे देवी देवता रामपुर के राजमहल के परिसर में आकर यहाँ पर साथ मिलते हैं, ग्रुप से होली की होली खेलते हैं, आने वाले साल की शुभकामनाएं देते हैं। सांसद प्रतिभा सिंह ने बताया कि ये पारंपरिक और प्राचीन उत्सव है। आज भी उसी परंपरा को कायम रखते हुए देवी देवता लोगों को रामपुर आकर आशीर्वाद देते हैं। इस मेले में हजारों लोग एकत्रित होकर खुशियां मनाते हैं।